गुड आफ्टरनून एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम विज्ञान में अध्ययन नौ जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था और समझा था, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन, प्रक्रम के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली कक्षा में इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है, तभी तो जीवन स्तर चलता रहता है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं कि पौधों में जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जनन जाति यानी स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए ये आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? दुनिया और विश्व मतलब आगे ही नहीं बढ़ता, वहीं पर रुक जाती। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसके बारे में आपने पौधों में जो जनन के विषय के बारे में है वो तो पढ़ चुके हैं, और जंतु की जो जनन प्रक्रिया है उस विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनन की विधियाँ। कुछ जंतुओं को ये बच्चों के नाम यहाँ सारणी में दिए हैं और उसे हम भरेंगे और देखेंगे कि उन बच्चों को क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? आप सोच सकते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं। तो पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन प्रक्रिया होती है, और ये दो विधियों से प्रारंभ होती है। दो विधियाँ कौन सी है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? तो जंतुओं में भी नर और मादा भाग होते हैं। विभिन्न जनन भाग और अंग भाग भी होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनश बनाते हैं। जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं तो संलयित होते हैं और क्या बनाते हैं? युग्मनज। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, ये कहलाते हैं लैंगिक जनन। अब हर मनुष्य में जनन भागों का पता हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा होता है वृषण, दो शुक्राणु नलिका और एक शीशन यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसमें शुक्राणु कहते हैं, जैसा कि चित्र 9.2 में दिखाया गया है। ये लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर अथवा एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है, और शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। तो वास्तव में यह शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठन पाए जाते हैं। तो ये तो बात होगी नर जनन अंग की। अब पढ़ेंगे हम मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडावाहिनी यानी जिसको कहा जाता है डिम्ब वाहिनी, तथा गर्भाशय। ये पेज नंबर 101 पर 90 चित्र नंबर 9.3 में दिया गया है कि अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी डिम्ब कहते हैं। मानव के प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिम्ब का निर्मोचन अंडावाहिनी होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी, ये भी कैसी कोशिका है? एकल कोशिका है। फिर आता है निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। फिर शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, और शुक्राणु अंडाणु का यही संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अर्थात नई संतति यानी संतान का कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत प्राप्त होता है। अपने भाई आपने
भाई या बहन को देखा है, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से पिता से प्राप्त हुए। वह निषेचन जो मादा से शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। इसमें मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएंगे कि किस प्रकार ये होता है। जैसे यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है कि वसंत और वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। तो अंडों के रंग और साइज को नोट कीजिए। उसमें आपको कई तरह के मेंढक के अंडे दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से ये जलाशय में या वर्षा ऋतु में जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें ये मेंढक के अंडे दिखाई देते हैं। बसंत और वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड़ पोखर तालाब में मंद गति से बहते झरने की ओर हो जाते हैं। जब नर मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच के से ढके नहीं होते, यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली होती है, ऐसी जेली की एक परत अंडों के साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरने लगते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं और फलस्वरूप निषेचन होता है। और इस प्रकार निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो ये कहलाता है बाह्य निषेचन। ये और किसमें होता है? मछली और स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में भी इस प्रकार से होता है। यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता। वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे और शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तो तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन कर लेते हैं, इन्हें खा जाते हैं। अतः अंड कोशिका एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो अगली क्लास में पढ़ेंगे।